जॉनी वॉकर से लेकर जॉनी लीवर तक, महमूद से लेकर विजय राज तक, फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक एक्टर आए जिन्होंने अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया। उन्हीं एक्टर्स में से एक अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले एक्टर राजपाल यादव को कौन नहीं जानता होगा, जिनके द्वारा निभाया गया हर किरदार यादगार बन गया, चाहे वो कॉमेडी हो या कैरेक्टर रोल। भला कौन भूल सकता है फिर हेरा फेरी के पप्पू और भूल भलैया के छोटे पंडित, या फिर भागम भाग के लंदन वाले टैक्सी ड्राइवर और चुप चुप के फिल्म के नौकर बंदिया को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजपाल यादव की पूरी जर्नी के साथ लाइफ स्टाइल भी बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप राजपाल यादव के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजपाल का रियल नेम राजपाल नौरंग यादव है और प्यार से इन्हें लल्ला बुलाते हैं। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को कुंद्रा सांजरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2023 के हिसाब से 52 इयर्स के हैं। दोस्तों, राजपाल का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। उनके पिता के 6 बच्चे थे जिन्हें वे खेती करके पालते थे। राजपाल ने स्कूल की पढ़ाई शाहजहांपुर से की। राजपाल यादव को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग करना काफी पसंद था। आगे चलकर उन्होंने शाहजहांपुर थिएटर ज्वाइन किया और कई नाटकों में हिस्सा लिया। स्कूल से निकलने के बाद राजपाल यादव ने 2 साल तक कपड़े की फैक्ट्री में भी काम किया है। 1994 से 1997 के दौरान उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई की। इसके बाद 1997 में फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। उन्होंने दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से डेब्यू किया और इस सीरियल के बाद राजपाल यादव को करियर की पहली फिल्म दिल क्या करे में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने स्कूल के वॉचमैन का छोटा सा किरदार निभाया। और इसी साल 2 और फिल्म की, जिसमें एक में प्योन और दूसरी फिल्म में कूली का किरदार निभाया। इसके बाद राजपाल यादव ने साल 2000 में फिल्म जंगल में नेगेटिव रोल किया। इस फिल्म ने राजपाल यादव को एक नई पहचान तो दिलाई ही, साथ ही उनके द्वारा निभाए गए सिप्पा के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। फिल्म जंगल के बाद राजपाल यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद चांदनी बार, कंपनी और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसे फिल्मों में दमदार किरदार में नजर आए। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म में तो राजपाल यादव का रोल लीड एक्टर के बराबर ही था, जिसके लिए उन्हें यश भारती अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, राजपाल यादव ने हर किस्म के रोल किए हैं, लेकिन उन्हें असल पहचान बतौर कॉमेडियन ही मिली। उनकी फिल्मों की बात करो तो प्यार तूने क्या किया, रोड, हंगामा, कल हो ना हो, गर्व, तार्जन द वंडर कार, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार क्यों किया, माला माल विकली, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, भागम भाग, पार्टनर, ढोल और भूल भुलैया जैसी फिल्में शामिल है। 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके राजपाल यादव ने कई एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है। इसमें ऐश्वर्या राय के साथ कोक का एडवर्टीजमेंट बहुत ही मशहूर हुआ था। इसके अलावा राजपाल यादव ने तमिल फिल्म शिवाजी द बॉस के हिंदी डबिंग में एक्टर विवेक के लिए अपनी आवाज भी डब की है। हिंदी सिनेमा में जॉनी लीवर के बाद दूसरा बेस्ट कॉमेडियन राजपाल यादव को माना जाता है। बता दें कि राजपाल यादव अपनी बेस्ट कॉमिक टाइमिंग के चलते 8 बार बेस्ट कॉमेडी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, पर उन्हें नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड भी मिला। दोस्तों, ये किसी के लिए आसान नहीं है कि बॉलीवुड से हॉलीवुड की उड़ान भरे, लेकिन राजपाल यादव ने अपना ये सपना सालों पहले ही पूरा कर लिया था। राजपाल यादव ने 2014 में हॉलीवुड फिल्म भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन में काम किया। उन्होंने मार्टिन शीन जैसे दिग्गज के साथ अभिनय किया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना राजपाल यादव का कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। चलिए मिलवाते हैं आपको राजपाल यादव की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है नौरंग सिंह यादव और राजपाल की माँ का नाम है गोदावरी यादव। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजपाल यादव के 5 भाई हैं, श्रीपाल यादव, चंद्रपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राजेश यादव और सत्यपाल यादव। बात करें राजपाल यादव की वाइफ के बारे में, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजपाल यादव ने एक नहीं बल्कि 2 शादी की है। इन्होंने पहली शादी करुणा से 1992 में की, लेकिन राजपाल यादव की पहली वाइफ का निधन हो गया और उसके बाद 2003 में इन्होंने दूसरी शादी की राधा यादव से। और राजपाल यादव की 3 बेटी है। इनकी पहली बेटी है ज्योति, जो की पहली वाइफ से है और इनकी शादी हो चुकी है, और इनकी बेटी हर्षिता और रिहांशी है, जो कि दूसरी वाइफ से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजपाल यादव के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, राजपाल यादव शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन अब वे मुंबई में एक महंगे से फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा राजपाल यादव ने कई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, राजपाल यादव ने अपने गांव शाहजहांपुर में एक सुंदर सा बंगलो बनाया हुआ है और अक्सर राजपाल यादव वहां जाते आते रहते हैं। अब बात करते हैं राजपाल यादव के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी कीमत है 17 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत है दोस्तों 25 लाख रुपए, और तीसरी कार इनके पास है होंडा एकॉर्ड, जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए, और राजपाल यादव के पास BMW 5 सीरीज भी है, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए। वहीं बात करें राजपाल यादव के इनकम के बारे में, तो दोस्तों, राजपाल यादव एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा राजपाल यादव ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई करते हैं। वे एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं।
अब बात करते हैं राजपाल यादव के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों राजपाल यादव का टोटल नेटवर्थ है लगभग 52 करोड़ रुपए। तो ये थी राजपाल यादव की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना राजपाल यादव की कौन सी फिल्म आपकी सबसे फेवरेट फिल्म है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।